हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल माय होम माय स्कूल। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है यूनिक्स और लिनक्स। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि इंटरव्यू में ज़्यादातर आपसे पूछे जाते हैं। इसके ऊपर मैं एक पूरी सीरीज़ बनाने वाला हूँ। इस सीरीज़ में हम लोग पहले बात करेंगे ऐसे क्वेश्चंस की जो आपसे तब पूछे जाते हैं जब यूनिक्स आपका सेकेंडरी स्किल होता है। तो सेकेंडरी स्किल और प्राइमरी स्किल में क्या डिफरेंस है, पहले वो समझ लेते हैं। प्राइमरी स्किल वो स्किल होता है जिसके लिए बेसिकली रिक्वायरमेंट है और आप कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक डेटा इंजीनियर हैं तो आप या तो ETL या फिर रिपोर्टिंग टूल पर काम कर रहे हैं, तो वो आपका प्राइमरी स्किल हुआ। और उसके साथ साथ आप अगर यूनिक्स प्लेटफॉर्म पर भी काम करने वाले हैं तो यूनिक्स आपका सेकेंडरी स्किल हुआ। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे वो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपसे तब पूछे जाते हैं जब जनरली यूनिक्स आपका सेकेंडरी स्किल होता है। आगे के वीडियोस में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस की भी बात करेंगे जब यूनिक्स आपका प्राइमरी स्किल होता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसके लिए आज ट्यूटोरियल के लिए हम लोग जो पोर्टल यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ cocalc.com। तो आप इस लिंक को ओपन कर लें। दोस्तों, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये कमांड्स काम करती हैं। अलग अलग क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पोर्टल ओपन हो गया है। यहाँ पे आप नए प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं जिन पर मैं काम कर रहा था। यहाँ पे हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। मैं इस प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ यूनिक्स इंटरव्यू क्वेश्चन माय होम माय स्कूल। जी हाँ, मैंने ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है। तो जैसे ही मैंने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया, ये ओपन हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिक्स इंटरव्यू क्वेश्चंस। बाकी प्रोजेक्ट्स को मैं क्लोज कर देता हूँ अभी। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर आपको एक फाइल्स का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे न्यू है। जब मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे अलग अलग तरह के ऑप्शंस देता है। तो यहाँ मैं एक टर्मिनल ओपन करने वाला हूँ। तो जो भी चीज़ें आप यूनिक्स में सपोर्ट करती हैं, आप शीश आपका कोड है, अगर आपका C++ का कोड है, कोबोल का कोड है, एक SQL फाइल है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल मुझे एक टर्मिनल चाहिए जहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टर्मिनल ओपन किया क्योंकि मैंने नाम नहीं दिया था, तो उसने अभी की करंट डेट स्टैम्प ली है। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ ls। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ही फाइल है, दैट इज़ दिस टर्मिनल। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आज हम करने जा रहे हैं वो रिलेटेड है पैटर्न्स के ऊपर। जी हाँ, सबसे ज़्यादा चीज़ें जो पूछी जाती है वो पैटर्न्स पे पूछी जाती हैं। तो हम लोग उसी से शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है वो है टू आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक पैटर्न और टू फाइंड अ स्पेसिफिक पैटर्न इन अ गिवन फाइल। तो जी हाँ दोस्तों, इसके लिए हम लोगों के पास अभी कोई फ़ाइल नहीं है, तो मैं एक फ़ाइल यहाँ पर बना लेता हूँ। आप यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक नई फ़ाइल बना लेता हूँ। तो मैं इसके लिए VI एडिटर ओपन कर लेता हूँ। VI टेस्ट अंडरस्कोर फाइल, इस तरीके से मैं एक फ़ाइल बना सकता हूँ और इसमें मैं कुछ डेटा डाल सकता हूँ। जैसे दिस इज़ फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकेंड रो, थर्ड रो इज़ हेयर, दिस इज़ फोर्थ नंबर रो। और जी हाँ, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो अब अगर आप ls चलाते हैं तो आपको दिखेगा यहाँ पर एक टेस्ट फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो अब अगर मुझे इसमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न फाइंड आउट करना है तो वो मैं कैसे करूँगा, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा ग्रेप कमांड। ग्रेप कमांड कोई भी पैटर्न अगर मुझे किसी फाइल से निकालना हो तो उसके लिए यूज़ होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे निकालना है इज़, तो मैं वो निकालूँगा टेस्ट फाइल से। तो जी हाँ, सिंटेक्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर ग्रेप कमांड लिखनी है मुझे, उसके बाद जो मुझे पैटर्न फाइंड आउट करना है और उसके बाद फाइल का नाम।
तो जैसे ही मैं इसको लिखता हूँ तो ये मुझे वो रोज़ रिटर्न करेगा जहाँ पर इज़ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं दिस में भी जो IS है वो हाईलाइट हो चुका है, क्योंकि हमें वो पैटर्न देखना था, तो IS वो पैटर्न उसको यहाँ पे भी मिला। तो जी हाँ, अब सेकंड क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है कि अगर मुझे काउंट करना है कि वो पैटर्न कितनी बार आ रहा है इस फाइल में, तो वो मैं कैसे करूँगा। तो इसके लिए हमें एक यूनिक्स फंक्शन को समझने की ज़रूरत है, दैट इज़ पाइप ऑपरेटर। तो पाइप ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जिसमें आपका पहली कमांड का आउटपुट दूसरी कमांड में एज एन इनपुट यूज़ हो सकता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ls चलाता हूँ तो मुझे यहाँ पर दो फाइल्स दिखती हैं, लेकिन मुझे सिर्फ ये जानना है कि मेरे कितने टर्मिनल्स ओपन हैं। तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैंने ls किया, अब मुझे पता है कि ls से मेरा जो भी आउटपुट होगा, दैट मीन्स जो लिस्ट ऑफ फाइल्स आने वाली है वो मुझे मिलेंगी। अब मैं चाहता हूँ कि उस लिस्ट ऑफ फाइल्स में से मैं क्या चीज़ ढूंढ कर निकालूँ। मुझे ऐसे सारे नाम चाहिए, ऐसे सारे रिकॉर्ड्स चाहिए जिसमें कि टर्म आता हो, तो इसलिए मैंने ग्रैब किया टर्म। और जैसे ही मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ मुझे वो टर्मिनल मिल जाता है। जी हाँ, इसी तरीके से अब मैं क्या करने वाला हूँ। अब सेकंड क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड आता है वो ये आता है कि एक स्पेसिफिक पैटर्न जिसको कि आपने ढूंढ कर निकाला, वो फाइल में एग्जैक्टली कितनी बार आ रहा है, मुझे ये ढूंढ कर निकालना है। तो जी हाँ, अगर मैं देखूँ यहाँ पर इस कमांड को जो इसको मैंने एग्जीक्यूट किया था, तो यहाँ पर इज़ मुझे कितनी बार मिला है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो जी हाँ, अगर मैं wc-l करता हूँ तो वो मुझे रिकॉर्ड काउंट देता है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर टेस्ट फाइल के लिए wc-l करता हूँ तो वो मुझे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स देगा। थोड़ा सा स्लो है टर्मिनल, एक सेकंड वेट करते हैं। जी आप देख सकते हैं ये डिसकनेक्ट हो चुका है, मैं रिकनेक्शन ट्राई कर रहा हूँ। ओके, वी आर कनेक्टेड नाउ। तो जैसे ही मैंने ये किया तो टेस्ट फाइल में 4 रिकॉर्ड्स हैं, इसीलिए उसने मुझे 4 काउंट दिया। ओके, तो अब मैं क्या चाहता हूँ, अगर मैं किसी तरीके से सिर्फ देखिए wc-l से मैं नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स काउंट कर सकता हूँ, तो अगर मैं किसी तरीके से ये जो भी इज़ हैं जो मुझे यहाँ पर इज़ दिखाई दे रहे हैं, अगर ये एज डिफरेंट रोज़ आ जाएँ तो मैं उन रोज़ को काउंट कर सकता हूँ। तो जी हाँ, उसको मैं कैसे करता हूँ, इसके लिए हम लगाते हैं ग्रेप हाइफन ओ। तो अगर मैं हाइफन ओ लगाता हूँ तो वो क्या करेगा, वो इन पैटर्न्स को एज रिकॉर्ड्स वो डिस्प्ले करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इज़ टेस्ट फाइल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इज एज रिकॉर्ड्स आ गया है। तो अगर मैं इस आउटपुट को wc-l कमांड को इनपुट करूँ तो मैं काउंट कर सकता हूँ कि इज कितनी बार आया फाइल में। जी हाँ, आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो टेस्ट फाइल था वो था इनपुट। तो अगर मैं इस कमांड में पाइप ऑपरेटर लगाता हूँ और उसके बाद wc-l लगाता हूँ, तो यहाँ पर मुझे ऑलरेडी इनपुट इस कमांड से मिल रहा है, तो इसलिए मुझे अलग से इनपुट स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मुझे पाइप ऑपरेटर के बाद अगर मैं wc-l लिखता हूँ तो उसके बाद मुझे फाइल नेम नहीं देना पड़ेगा। जी हाँ, देखिए मैंने पुरानी कमांड अपनी ले ली है, उसको मैंने पाइप ऑपरेटर के बाद wc-l के पास किया और ये आ गया मेरा आउटपुट 5। तो ये दोनों क्वेश्चंस जनरली एक दूसरे के साथ कंजंक्शन में पूछे जाते हैं, एक दूसरे के बाद पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा एक फाइल है उसमें आप बताइए कि इज कितनी बार आ रहा है, हेयर कितनी बार आ रहा है, और फिर उसके बाद वो पूछेंगे कि आप हेयर को फाइंड करना है कैसे करेंगे, फिर वो कितनी बार आ रहा है वो कैसे फाइंड करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसी से रिलेटेड, वो है कि आपको अगर एक फाइल के स्टार्ट
या फिर एंड में कुछ लाइन ऐड करनी हो तो वो आप कैसे करेंगे? तो जी हाँ, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें दो ऑपरेटर समझने पड़ेंगे। एक होता है ओवरराइट ऑपरेटर और एक होता है अपेंड ऑपरेटर। तो जी हाँ, ये जो सिंबल है, दिस इज ओवरराइट, दिस इज ओवरराइट एंड दिस इज अपेंड। तो जी हाँ, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, जैसे मुझे, मैं आपको वापस से कैट करके दिखाता हूँ टेस्ट फाइल को। तो टेस्ट फाइल में मेरे चार रिकॉर्ड्स हैं, तो अगर मैं अपेंड करना चाहता हूँ पांचवा रिकॉर्ड एट द एंड, तो मैं कैसे करूँगा? तो आई कैन एको इट। एको एक कमांड है जो कि आपका किसी भी आउटपुट को प्रिंट करने के लिए यूज़ होती है। तो मैंने एको किया, दिस इज फिफ्थ रो, और मैं इसको अपेंड करना चाहता हूँ क्योंकि मैं लास्ट में ऐड करना चाहता हूँ। किसके लास्ट में ऐड करना चाहता हूँ? टेस्ट फाइल के लास्ट में। तो जैसे ही आप देखेंगे, आप कैट करेंगे टेस्ट फाइल को, तो टेस्ट फाइल में ये फिफ्थ रो आ चुकी है। सो इस तरीके से आप लास्ट में ऐड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग में ऐड करने के बारे में अभी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बिल्कुल एक अलग कमांड आ जाती है, तो कुछ हम कमांड्स अलग से करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि ग्रेप कमांड पे आपसे पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से समझें तो आप सेकेंडरी स्किल यूनिक्स के इंटरव्यू को इजीली क्रैक कर सकते हैं। ग्रेप से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे आप इस डायरेक्टरी में सारी फाइल्स लिस्ट कर दीजिए एक्सेप्ट फॉर द टर्मिनल्स। तो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर मैं करता हूँ, मैं कुछ फाइल्स बना देता हूँ, टच फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, ये मैंने टच कर दिए हैं। अगर मैं यहाँ पर अब ls चलाता हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अपेंड, ओवरराइट, टर्म, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, टेस्ट फाइल, ये सारी फाइल्स है। तो मुझे चाहिए कि सारी फाइल्स लिस्ट हो जाएं, बस टर्मिनल्स लिस्ट ना हो। तो इसके लिए हम कैसे उसको हटा सकते हैं? हमें पता है कि अगर हम ls करते हैं तो लिस्ट ऑफ फाइल्स आ जाएंगी, लेकिन अब मुझे टर्म को एक्सक्लूड करना है। और बाकी फाइल्स में कुछ ऐसा कॉमन नहीं है कि जो वो लिस्ट हो पाए, क्योंकि अगर मैं फाइल पैटर्न के हिसाब से लिस्ट करने की कोशिश करूं, अगर मैं करता हूं ls फाइल, तो आप देख सकते हैं अपेंड और ओवरराइड यहां पर नहीं आए हैं, जबकि मुझे वो भी चाहिए। मुझे सिर्फ क्या चाहिए, टर्मिनल वाली फाइल्स ना आए। तो इसके लिए मैं वापस से दो कमांड्स को एक साथ इंक्लूड करूंगा। इसमें भी दोस्तों ग्रेप कमांड का यूज़ होगा। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मेरी सारी फाइल्स लिस्ट हो जाएं, जिससे कि किससे होंगी, ls कमांड से। अब मैं चाहता हूं कि इसमें से एक्सक्लूड हो जाए। तो जी दोस्तों, ये समझना ज़रूरी है कि जब हम बात कर रहे हैं कि मुझे क्या आउटपुट चाहिए, तो उसमें स्टेप्स क्या इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले मुझे चाहिए कि सारी फाइल्स लिस्ट हो, अब मुझे एक्सक्लूड करना है। सो इट देर आर टू स्टेप्स इन दिस, एक फाइल्स को लिस्ट करना और दूसरा टर्मिनल्स को एक्सक्लूड करना। तो ये किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। तो अभी स्पेसिफिकली आपको समझना है कि यूनिक्स कौन सा ऑर्डर हैंडल कर सकता है। तो जी हाँ, यूनिक्स जो ऑर्डर हैंडल करेगा, उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारी फाइल्स को लिस्ट करेंगे और उसमें से हम टर्म को हटा देंगे। तो इसके लिए जी हाँ दोस्तों, ग्रेप के साथ एक जो और फंक्शन यूज़ होता है, दैट इज़ हाइफन वी। तो हाइफन वी जो एक्सटेंशन है ग्रेप कमांड का, वो एक्सक्लूजन के लिए यूज़ होता है। तो अगर हम ग्रेप के साथ कोई पैटर्न देते हैं विद हाइफन वी, तो वो उस पैटर्न को एक्सक्लूड कर देगा। जी हाँ, उस पैटर्न को आउटपुट में नहीं ग्रैप करेगा। तो जी हाँ, मैंने क्या किया, ls कमांड चलाया, उसके इनपुट को अब ये एक फाइल के तौर पर ट्रीट होगा दोस्तों ग्रैप के लिए। तो ग्रैप क्या करेगा, अब ls का जो भी आउटपुट है उसमें से वो चेक करेगा कि कहीं पर भी टर्म है क्या। और अभी अगर मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो वो टर्म को
दिखा देगा। लेकिन अगर दोस्तों जी हाँ, इसी में मैं अगर हाइफन वी लगा दूं तो वो क्या करेगा कि वो ls कमांड के आउटपुट में से ये चेक करेगा कि टर्म कहाँ पर है, और जहाँ पर भी टर्म है उसको एक्सक्लूड कर देगा और बाकी सब कुछ वैसे का वैसा आने देगा स्क्रीन पर। तो जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सारी फाइल्स लिस्ट हो गई हैं, सिर्फ टर्मिनल लिस्ट नहीं हुआ है। तो जी हाँ दोस्तों, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमें सब कुछ लिस्ट करना है एक फाइल में से और कुछ स्पेसिफिक एक्सक्लूड करना है तो हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। मोस्टली यूनिक्स जब आपका सेकेंडरी स्किल होता है या फिर बेसिक यूनिक्स नॉलेज रिक्वायर्ड होती है कुछ जगहों पर, या फिर आपका यूनिक्स एज अ प्राइमरी स्किल भी अगर इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो कई बार जनरली ऐसे ईजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इंटरव्यूज़। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहला क्वेश्चन जिसका हमें आज आंसर मिला वो था कि अगर आपको किसी फाइल में कोई पैटर्न ढूंढना है तो वो आप कैसे ढूंढेंगे। तो उसके लिए हमने देखा कि ग्रेप कमांड के साथ आप पैटर्न पास करेंगे और उस फाइल का नाम पास करेंगे जिस फाइल में आपको वो पैटर्न चाहिए, और उसके बाद आपको ये देखना था कि अगर मुझे पाइप ऑपरेटर, अगर मुझे एक कमांड के आउटपुट को दूसरे कमांड में पास करना है एज एन इनपुट, तो वो मैं कैसे करता हूँ, वो मैं पाइप ऑपरेटर के थ्रू करता हूँ। तो पाइप ऑपरेटर में जो पहली कमांड होती है उसका आउटपुट सेकंड कमांड में एज एन इनपुट यूज़ होता है। तो जी हाँ, आप देख सकते हैं ग्रेप के लिए इनपुट क्या था, फाइल। तो मुझे फाइल में वो पैटर्न सर्च करना था, यहाँ पे वो फाइल की जगह मैं वो किसने ले लिया, यहाँ पर वो यहाँ ls के आउटपुट ने ले लिया, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से फाइल नेम को नहीं लिखा है। ग्रेप हाइफन ओ क्या करता है, आपकी हर अकरेंस को एज एन इंडिविजुअल रिकॉर्ड यहाँ पर शो करता है, इसीलिए जब हमने ग्रेप हाइफन ओ लगाया तो उसने टेस्ट फाइल को चेक किया, उसमें जितनी जगह इज आ रहा था उसको एज रिकॉर्ड दे दिया। ये हमने किस लिए किया, क्योंकि हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में वो ये था कि अगर आपको एक फाइल में एक पैटर्न कितनी बार आ रहा है ये चेक करना है तो वो आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले उनको एज रिकॉर्ड्स प्लेस किया और उनको पास किया एज एन इनपुट wc कमांड के लिए, क्योंकि wc हाइफन एल नंबर ऑफ लाइंस को काउंट करता है। तो उसने काउंट किया इसको और आंसर मिला हमको 5। उसके बाद हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन था वो ये था कि अगर मुझे किसी कमांड किसी फाइल के एंड में एक लाइन अपेंड करनी है तो वो मैं कैसे करूँगा। तो उसके लिए जी हाँ, हम लोगों ने अपेंड ऑपरेटर देखा था, ओवरराइट ऑपरेटर देखा था। तो ओवरराइट ऑपरेटर, अगर मैं इस ऑपरेटर को यहाँ पर यूज़ करता इस कमांड में तो टेस्ट फाइल का सारा डेटा उड़ जाता और जो भी मैं यहाँ डेटा एंटर कर रहा हूँ सिर्फ वही आता। अपेंड में जो डेटा रहता है उसके एंड में ये जो मैं डेटा पास कर रहा हूँ वो आ जाता है। तो एको कमांड से यहाँ पर हमने जो भी चीज़ प्रिंट की थी वो अब टेस्ट फाइल में अपेंड हो गई है, उसको हमने कैट करके देखा। तो जी हाँ, यहाँ पर दोस्तों हमें वो 5th रो मिली। इसके बाद हम लोग उन्हें एक और चीज़ देखी कि अगर मुझे एक लिस्ट ऑफ फाइल्स में से कुछ एक्सक्लूड करना है तो वो मैं कैसे करूँगा ग्रेप कमांड का यूज़ करके। तो जी हाँ दोस्तों, उसके लिए हमने देखा कि ग्रेप के साथ अगर आप हाइफन वी लगाते हैं तो हाइफन वी आप जो भी पैटर्न पास करते हैं उसको उसको एक्सक्लूड कर देता है, वो पैटर्न उसे जिस भी जगह मिलेगा जिस भी रिकॉर्ड में मिलेगा वो उस रिकॉर्ड को एक्सक्लूड कर देगा। और जी हाँ, यहाँ पर वही हुआ, जैसे ही हमने ग्रेप हाइफन वी किया उसने इस पूरी लिस्ट में से टर्म वाली फाइल को देखा और उसे एक्सक्लूड कर दिया। तो दोस्तों ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चंस, ये है हमारे यूनिक्स इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज का पहला वीडियो, और इसी तरीके से हम आगे और वीडियोस लाते रहेंगे जिसमें हम और डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ करते रहेंगे, हम इसी तरह से क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे। और दोस्तों आप ये पूरी सीरीज़ अगर देखेंगे तो इसके अलावा आपसे यूनिक्स इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला है। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और आप देखना चाहते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम श्योरली आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल बी बैक सून विद द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सीरीज़, यूनिक्स इंटरव्यू क्वेश्चंस पार्ट 2। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप कमेंट कीजिए अगर आपको इसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट्स
लगती है कि हो सकती है, या आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, आप प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैप्पी वीकेंड, और बने रहिए हमारे साथ, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।